ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करें तो जेन और फेब इनटेक के लिए ये हम जरूर मान सकते हैं कि जैसे ही दिसंबर की स्टार्टिंग होगी विद इन 2 वीक्स अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उसको उसके बाद आपको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलने वाला है। तो आज बहुत जरूरी टॉपिक के जल्दबाजी में फंड्स को लेकर कहीं आप कोई गलती ना कर जाए तो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए लगातार हम वीडियोज बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हम अवेयर करते रहें कहीं भी स्टूडेंट की कोई गलती फंड्स को लेकर ना हो पाए। तो आज की वीडियो भी बहुत खास रहने वाली है, ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडी स्केयर अब्रॉड से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू मैम। चीमा जी, हर बार कई वीडियोस में हमने स्टूडेंट्स को अवेयर किया है, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से आपने समझाया है फंड्स को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा है तो फंड्स के लिए डिटेल में समझना, पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ज़रूर चाहूँगी, जैसे कि अब मैं शुरुआत में बात कर चुकी हूँ, टाइम थोड़ा कम ज़रूर रह गया है, तो इस कम टाइम में कोई स्टूडेंट गलती ना कर जाए फंड्स को लेकर, तो आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? जी हाँ ज्योत मैम, देखो हर बार हम यही चीज़ समझाते हैं कि फाइनेंशियल्स जितने इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट अब फाइनेंशियल्स भी हो गए हैं। एकेडमिक्स तो हर बच्चा प्रोवाइड कर ही देता है, प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल स्टेज पे जाके, जब बच्चे की ऑफर लेटर आ जाती है उसके बाद। बिकॉज पेरेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेरेंट्स शायद अभी भी चीज़ों को डिले कर रहे हैं, वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, उनको लग रहा है ऑफर आएगी फिर फाइनेंशियल रेडी करेंगे, पता नहीं ऑफर आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा एंट्री रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी की, 65% से ऊपर है, 6 ईच है, रिसेंट पास आउट है, तो उसका ऑफर 99% आ ही जाएगा। तो आप उस चीज़ की वेट मत कीजिए, ऑफर लेटर तो एक दिन में भी आता है, 10 दिन में भी आ जाएगा, लेकिन उन 10 दिन को हम यूटिलाइज कैसे करें। तो मैं पेरेंट्स को एक बेसिक जो चीज़ बताता हूँ, हर बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंशियल्स की, अगर वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो बड़े इजीली आपकी जीटी निकल जाएगी, जिसको एक बहुत बड़ा इशू बना रखा है आजकल मार्केट में कि जीएस या जीटी जिसको हम बोलते हैं, यार क्लियर करना बहुत टफ हो गया, यूनिवर्सिटीज बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। देखो यूनिवर्सिटी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी अगर हम वेरी फर्स्ट इंस्टांस पे अच्छे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्किंग है या कोई बिजनेस में भी आईटीआर तो हर बंदा फाइल करता है, तो अपनी आईटीआर 2 साल की रेडी रखिए। मिनिमम इनकम जो यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं वो पेरेंट्स की 12 से 15 लाख या 14 लाख के बीच में मांग रही हैं। अगर किसी की कम भी है तो ये मत सोचो कि आपका बच्चा जा ही नहीं सकता, तो एक स्पॉन्सर हम ऐड कर सकते हैं फादर मदर के बाद, जो मेरी कोशिश रहती है कि एक से ज़्यादा हम ना ऐड करें बिकॉज वीज़ा भी लेना है हमें। तो अगर किसी की 12 लाख इनकम बनती है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, मामा चाचा ताया किसी को भी ऐड कर लें, लेकिन उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ सेविंग्स भी ज़रूर दिखाएं। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, हमने केस लगाया था जिसमें फादर की इनकम थी थोड़ी सी कम लेकिन अकाउंट में 50 लाख था, तो हमने अंकल को साथ में स्पॉन्सर बना दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें मेल करी कि अगर वो आईटीआर दे रहे हैं तो हमें सेविंग्स में चाहे आप 1 लाख ही दिखाओ लेकिन उनकी सेविंग की स्टेटमेंट ज़रूर दो। तो किसी भी आप थर्ड स्पॉन्सर को ऐड कर रहे हैं तो उनकी सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूर दें, चाहे आपके पास पैसा पूरा अवेलेबल भी है। उसको भेजने से ये होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, वो पहले ही क्लियर हो जाएगा, एक तो ये पेंडेंसी स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगी। सेकेंड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आप अपने अगर आपके पास जीएसटी नंबर है वो रेडी रखें, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, अगर एमएसएमई या पुराना रजिस्टर्ड है वो, अगर शॉप एक्ट में आपकी रजिस्टर्ड है फॉर्म तो वो, अगर आपकी पास आपका बिजनेस जेन्युइनली चल रहा है तो उसकी फोटोग्राफ भी भेज ही दें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज फोटोग्राफ भी मांग रही है, तो वो बिजनेस का बात क्लियर हो गया। अगर कोई जॉब में है बंदा तो वो अपनी आईटीआर के साथ अपना क्या कहते हैं अपनी सैलरी स्लिप्स दे, फॉर्म 16 दे दे, जिससे ये पता लगता है कि हाँ जी कि वो एक बंदा एक जेन्युइनली वो जॉब कर रहा है, अपनी सैलरी की स्टेटमेंट दे दे जिसमें रेगुलर इनकम आती हुई दिख रही है। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो अपनी जेब फॉर्म दे, जमाबंदी दे दे, या तहसीलदार का सर्टिफिकेट दे दे जो बंदा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक चीज़ और मैं बताऊँगा, अगर आईटीआर में आप 15 लाख इनकम डाल रहे हो एग्रीकल्चर की, तो मेक श्योर जो तहसीलदार सर्टिफिकेट बना रहा है उसकी अमाउंट भी मैच करती हो, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन होने लग गया अब यूनिवर्सिटीज़ का कि यार आईटीआर तो इतने लाख की है, तहसीलदार का सर्टिफिकेट कुछ और ही बोल रहा है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान दें, ये छोटी छोटी चीज़ों की नेग्लिजेंसी के कारण आपका बच्चा जा भी सकता है और रुक भी सकता है। अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तो यूनिवर्सिटी कभी दोबारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। फंडिंग पे अगर आते हैं, अगर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग फंड्स तो उसमें कुछ भी रिसेंट डिपॉजिट हुआ है 2-4 महीने में, कुछ 10 लाख की एक एंट्री आ गई, 5 लाख की आ गई, तो उसका सोर्स ज़रूर लगाएं कि वो पैसा कहाँ से आया था।
अगर आपके करंट अकाउंट से शिफ्ट हुआ तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाएं, कुछ चीज़ सेल करी थी तो सेल डेट दिखाएं, बायर सेलर के अकाउंट में दिखाएं कि वहाँ से पैसे यहाँ पे आया, तो सोर्स दिखाना ज़रूरी है। कोई एफडी मैच्योर हुई थी तो स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि एफडी मैच्योर हुई थी, डाकखाने का पैसा है, पोस्ट ऑफिस का पैसा वहाँ से निकल के आया तो पोस्ट ऑफिस की स्टेटमेंट लगा दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आप पहले ही रेडी रखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हर बंदा जो जेन्युइन है, जो जेन्युइनली किसी बिजनेस में है, जो जेन्युइनली जॉब कर रहे हैं, या वो जेन्युइनली एग्रीकल्चरिस्ट भी है, तब भी उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो बस इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखें पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं 72 आवर्स में, अगर आप मेरे को ऑफर लेटर के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट दे दोगे, आई विल गिव यू अनकंडीशनल ऑफर लेटर विद इन 72 आवर्स। जी बिल्कुल। तो जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हमारी वीडियोस के साथ जुड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं, वैसे मनप्रीत जी ने एक एक पॉइंट जो है पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझाया है। यही ज़्यादातर सवाल हमारे पास आते भी हैं स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के, तो आप इन बातों पर ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अपने आप में एक ऐसा वीज़ा मान सकते हैं, सही प्रोसेस हो तो इससे ईजी कुछ नहीं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, फंड्स में कहीं कोई डिले हो जाता है, कमी रह जाती है, तो इससे मुश्किल वीज़ा लगवाना कोई और हो नहीं सकता। तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए, स्टूडेंट की प्रोफाइल एकेडमिक अच्छी है, उसके साथ साथ फंड्स को लेकर पूरी तैयारी है। तो जैसे कि मनप्रीत जी ने बताया स्टडीज़ केयर अब्रॉड की तरफ से कुछ ही घंटों में जो है आपका काम होने वाला है, ऑफर लेटर आपको मिलने वाली है, पूरा प्रोसेस सही ढंग से कंप्लीट होने वाला है। तो फिर एंड में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जेन और फेब इनटेक के लिए दिसंबर के पहले 2 हफ्ते आपके लिए खास हैं, डेडलाइंस शुरू होने वाली हैं उसके बाद। तो ज़रूर इन दिनों का, इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे यूटिलाइज़ कीजिए, प्रॉपर सही ढंग से अप्लाई कीजिए। मनप्रीत जी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस पर कॉल कीजिए, या फिर स्टडीज़ केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने से आप अगर वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसी नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कीजिए मनप्रीत जी से, इनकी टीम से, और टाइमली जो है अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, एक बार फिर से आपने स्टूडेंट्स को फंड्स को लेकर पूरी क्लैरिटी दी है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।